माता दी मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं बमलेश्वरी देवी के मंदिर में, जो कि डोंगरगढ़ में पड़ता है। यह माता रानी का विश्व विख्यात मंदिर है, जो कि माता बमलेश्वरी को समर्पित है। हमारे पीछे जो आप पर्वत देख रहे हैं, माता का मंदिर इसी उच्च पर्वत पर विराजमान है और लगभग यहाँ 1100 सीढ़ियाँ हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माता रानी की पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम ले चलते हैं माता रानी के दर्शन की ओर। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि मैं अभी रोप वे के पास पहुंच चुका हूं। बमलेश्वरी माता के मंदिर में जाने के लिए एक सहारा एक है कि आप रोप वे से जा सकते हैं, जो कि देखिए अभी ये जा रहा है और ये ऐसा जाता है, रोप वे ऐसा जाएगा सीधे ऊपर में माता रानी के मंदिर में पहुंच जाएगा। ये है वो रोप वे जिसके सहारे से आप जा सकते हैं, जिसको माता बमलेश्वरी का पूरा फसला कहा जाता है। श्रद्धालु यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में इसी रास्ते से जाना पसंद करते हैं और यह एक बहुत ही अच्छा रास्ता है माता रानी के मंदिर तक पहुँचने का और वापस जाने का। वह स्थान है जहाँ पर सब अपने जूते चप्पल को निःशुल्क में रख सकते हैं। ऐसे आप मंदिर में भोग चढ़ाने के लिए भंडारा ले सकते हैं, जिस जो आपको मात्र 20 रुपये की राशि में प्राप्त हो सकता है। मंदिर का ऊपर जाने का रास्ता है माँ बमलेश्वरी देवी के, जहाँ से आपको सैनिटाइजर से सैनिटाइज होकर जाना होगा और उसके लिए मशीन लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये है सीढ़ी जहाँ से आपको चढ़कर जाना है। हम 900 सीढ़ी पहुंच चुके हैं ऊपर माता रानी के मंदिर में और हमारे लिए थोड़े से बस रास्ता बचा हुआ है और हम जल्द ही ऊपर पहुंचने वाले हैं। आज हम आए हुए हैं माता बमलेश्वरी देवी के मंदिर, जो कि डोंगरगढ़ में है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का भीड़ आज बहुत ही ज़्यादा है माता का दर्शन करने के लिए। ऐसे तो हर समय श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं, पर आज भी माता रानी दर्शन के लिए बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। माता रानी बमलेश्वरी का दर्शन करने के बाद और यहाँ का जो यह नज़ारा है इसे देखने के बाद, आप जो सीढ़ी चढ़कर आएंगे, 1100 सीढ़ी जो चढ़कर आपने आया है, वह पूरी थकान आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वर्ग सा अनुभव होता है और आपको इतना आनंद प्राप्त होगा कि जिसकी मैं कल्पना आपको नहीं करा सकता। आप एक बार अपने जीवन में माँ बमलेश्वरी देवी का दर्शन करने डोंगरगढ़ जरूर आइएगा। यहाँ पर हम लोग गुप्त नवरात्रि के पर्व पर आए हुए थे, तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ आने के लिए वैसे तो दो रास्ते हैं, पर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रोप वे से आने पर लगेगा, क्योंकि आपको एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है।
पोटोटोला का दृश्य जिसे हम आपको बता रहे थे। हम लोग आने के वक्त अभी यहाँ से आए थे और जा भी रहे हैं, तो यहाँ आने पर आपको इसी दृश्य का सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों आप हमेशा जब भी आए आप रोप वे का ही सहारा लेकर ऊपर जाएं और नीचे आएं और आपको देखना कैसा अनुभव होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे टेंपल टूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप सभी तक वीडियो लाता रहूं।